अमर सिंह ने मांगी अमिताभ बच्चन से माफ़ी, वीडियो में बता दी लड़ाई की असल वजह। अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन से माफ़ी मांगी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने वीडियो भी जारी किया है जिनमें अमिताभ के लिए कई बातें कही हैं। पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा बल्कि यह भी प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो, लेकिन आज अमिताभ बच्चन जी ने फिर मेरे पिताजी का सुमिरन किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई और वो लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्म दिवस हो अथवा मेरे पिताजी के स्वर्गवास का दिन हो, हर दिन को स्मरण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजर रहा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं था, इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन से माफ़ी मांगी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अमिताभ बच्चन के परिवार के प्रति अपने व्यवहार पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी का आज पुण्यतिथि है और अमिताभ ने मुझे हमेशा की तरह मैसेज किया है। जीवन के इस पड़ाव पर जब मैं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे अमिताभ जी और उनके परिवार के खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए खेद है। भगवान उन सभी को आशीर्वाद दे। बता दे कि अमर सिंह का इलाज सिंगापुर के अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है, इसमें वह काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह किडनी की बीमारी का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनसे अपेक्षा होती है उन संबंधों में उबाल बहुत आता है, उनमें प्रतिक्रिया भी बहुत नुकीली होती है। वो मुझसे बड़े हैं तो मुझे उनसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए थे और उनसे खेद भी प्रकट करना चाहिए। मैंने भी अनावश्यक रूप से ज़्यादा उग्रता दिखाई। मुझे उनसे नफरत से ज़्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही। मुझे लगता है कि उनके मन में मेरे लिए न तो कटुता है और न निराशा, बल्कि कोई ना कोई भाव है। उन्होंने बताया कि अमिताभ उन्हें अक्सर उनके जन्मदिन और उनके पिता की पुण्यतिथि समेत कई अवसरों पर संदेश भेजते हैं। वो अपने कर्तव्य का निर्वाहन करते हैं।